नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और ये मैं एक अर्जेंट वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कोई ऐसे अर्जेंट न्यूज़ नहीं, क्योंकि ना वही जो मार्केट से जो लोग आप लोगों के फ़ोन आते हैं, बातें होती हैं ना, उससे मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लैरिटी की बहुत सारी ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर हम ना लास्ट ईयर की कट ऑफ को देख के जजमेंट करते हैं कि जब हमें ये सीट मिली जाएगी, हमने कट ऑफ देख लिए यूट्यूब पे, पीडीएफ पे, कुछ काउंसलर्स हैं जो सारे पीडीएफ वगैरह शेयर कर देते हैं। देखिए, हमेशा आपको जनरली आराम से लास्ट ईयर की कट ऑफ मिलेगी। और 2022 में ठीक था, मतलब 22 में 21 के देखते थे और 22 में वो फेल हो गया था। सो एक लाइन पहले समझ लीजिए, फिर समझाता हूँ। 2022 हर लिहाज से एक्सेप्शन था। तो पहली बात आपको ये समझ में आ गया मेरे पुराने वीडियोस को देखकर सुनकर कि हमें नंबर नहीं देखने हैं जब भी डिस्कस करना है, अपनी ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक, डोमिसाइल और कैटेगरी, ये चार चीज़ें होनी चाहिए सरकारी सीटों के लिए, जिन सरकारी जिन स्टेट्स में प्राइवेट में रिजर्वेशन है उनके लिए। हाँ, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में या यूपी जैसा स्टेट जहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में कोई कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें ऑल इंडिया रैंक से मतलब होता है, मैं मानता हूँ, ठीक है ना। तो हर स्टेट के डायनामिक्स डिफरेंट है, इन चार फैक्टर को देख के करना है। लेकिन अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मैं बार बार कहता हूँ कि क्यों 2022 को नहीं देखना। देखिए, 2022 एक बहुत ही एक्सेप्शन ईयर था। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ। इंडिया में सीट्स तो 1,05,000 के आसपास है एज ऑफ टुडे। मैं मानता हूँ कि जब तक ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी और 2-3 हज़ार बढ़ के 1,10,000 हो जाएंगी। नीट तो 9 लाख लोगों ने क्वालिफाई करा। आप हमेशा देखते हो कि 8 लाख रैंक वाले को सीट मिल गई थी लास्ट ईयर, मिल गई थी जी आराम से 8 लाख रैंक वाले को। तो आप ये सोचते हो कि कैसे हो जाता है, 9 लाख रैंक वाले को सीट मिल गई थी FS मेडिकल कॉलेज में माइनॉरिटी वाली 94 नंबर पर, वो ऐसे मिल जाता है सर। और MBBS आप जानते हो ना, इंडिया का सबसे महंगी प्राइवेट एजुकेशन है। MBBS के अलावा कोई कोर्स उठा लो इंडिया में, क्योंकि हम सबकी काउंसलिंग करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वी आर नॉट ओनली MBBS इंडिया काउंसलर और MBBS अब्रॉड, हम करियर काउंसलर भी हैं, हम स्टडी अब्रॉड काउंसलर भी हैं। तो हम सब कोर्सेज को डील करते हैं, BBA, BTEC, आप इंडिया के सबसे बेहतरीन कॉलेज उठा लीजिए, OP जिंदल, सिम्बियोसिस, नारसिमोनजी, मैक्सिमम फीस 5 लाख रुपये साल है, राइट। पूरा कोर्स आपका 20 लाख में हो जाता है। MBBS में हम केरल कर्नाटक के कॉलेजों को सस्ता बोलते हैं, मुझे भी कई बार बोलते हुए अजीब लगता है, लेकिन जब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के पैकेज से हम कहते हैं जी ये तो बहुत सस्ते हैं जी, 55 लाख 60 लाख में, 60 लाख रुपये का सस्ता होता है। क्या आम इंसान के बस की है 60 लाख रुपये का फीस पढ़ाना बच्चे को? नहीं। और यही सारा गेम होता है। सरकारी सीट तो कोई नहीं छोड़ता, बट सरकारी के इमीडिएटली बाद जो 580 नंबर वाला भी है, जिसको केरल कर्नाटक का पक्का मिल जाएगा, बट वो उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट, वो ड्रॉप करते हैं। अगर ड्रॉप नहीं कर पाए, पहले 2 ड्रॉप हो गए हैं, BDS में चले जाते हैं, MBBS अब्रॉड में चले जाते हैं, नहीं तो कोर्स ही छोड़ देते हैं। और यही वजह है ना कि वो 200 नंबर 250 नंबर या मुझे ऑल इंडिया रैंक में बात करनी चाहिए हमेशा, तभी 6 लाख 7 लाख रैंक वाले को सीट मिलती है। मैं नंबर की बात नहीं करूँगा ताकि आपको पता चले कि जब भी हम कट ऑफ की बात करें, हमें रैंक की बात करनी है। 7 लाख 6 लाख 8 लाख रैंक तभी भी तो सीट मिलती है ना, क्योंकि 1.25 लाख रैंक वाला 1.5 लाख रैंक वाला सीट छोड़ देता है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ये एक ट्रेंड है। लेकिन यही अफोर्डेबिलिटी ने 2022 में और गिर गई थी। कैसे? देखिए, प्राइवेट MBBS 3 तरह के लोग ले पाते हैं। पहले दो समझना बड़ा सिंपल, आप कहोगे टाइम ख़राब कर रहे हो, मोटी नौकरी वाला। हमारे पास क्लाइंट आते हैं जी IT में सीनियर है पापा मम्मी, या दोनों की सरकारी नौकरी है, 1.25 लाख यहाँ 1.25 लाख वहाँ, 1 लाख यहाँ 80 हज़ार वहाँ, मतलब मिला मुलू के मरे से हमारा 2 लाख महीना फैमिली इनकम है, 24 लाख रुपये साल के हो गए। हिंदुस्तान में खर्चे तो आपको पता है सभी के 50,000-70,000 में हो जाते हैं। तो वो हिसाब लगाते हैं कि ठीक है, हम अपनी 5 साल की सेविंग से एक बच्चे को पढ़ा देंगे, 5 साल की सेविंग से दूसरे बच्चे को पढ़ा देंगे, या 7 साल की सेविंग से, और उम्मीद है कि ये बच्चा जो डॉक्टर बन जाएगा उसके बाद ये लोन भी उतार देगा, लोन लेते हैं। तो दूसरे होते हैं मोटे सेल्फ व्यापारी, चाहे वो व्यापारी हो, फैक्ट्री वाले हो, शोरूम वाले हो, बड़े किसान हो, 50 एकड़ 100 एकड़ 30 एकड़ ज़मीन वाले। पर एक तीसरा सेगमेंट भी था जो जोर लगा के सीट लेता था। ये सेगमेंट है ना मोटी नौकरी ना मोटा व्यापार, लेकिन इनके पास एक ना एसेट था, एसेट हमेशा ज़मीन ही है हिंदुस्तान में। तो ये लोग वो होते हैं, इनकम तो है 50,000 महीना, लेकिन एक 70-80-60 लाख का प्लॉट पड़ा हुआ था जी गांव में, छोटे शहर में, जहाँ से पहले रहते थे, पुराना घर, और वो बेच के हम अपने बच्चे पे लगा देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में हम बच्चे की एजुकेशन पे अपना सब कुछ लगा देते हैं। अब 2022 में ना प्रॉपर्टी के सौदे बिल्कुल रुक गए थे। आप अगर खुद उस मार्केट में उठते बैठते होंगे तो 7-8 महीने पहले कोई सेल ही नहीं हो रही थी, मतलब 70 लाख का माल 60 में नहीं, 50 में भी नहीं, शायद 30 में बिखरा था, वो कैसे बेच दो? और 80 लाख का माल 40 में बेच भी दो तो फ़ायदा क्या? अब जैसे कि आप जानते हैं कि मैं तो फिक्स क्लाइंट लेता हूँ,
तो लास्ट टाइम मेरे पास कुछ तकरीबन 70 क्लाइंट थे, क्योंकि मेरा रेंज रहता है 60 से 70, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के मुझे क्लाइंट शुरू शुरू में मेरे साथ बुकिंग कर जाते हैं। सारे ही टफ वाले होते हैं तो 60 ही लेता हूँ, सारे सरकारी वाले आने लग जाते हैं कि ठीक है दो ही काउंसलिंग करनी है तो 70 तक भी पहुँच जाती है मेरी लिस्ट, क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि मैं कितने क्लाइंट्स को पर्सनली बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे से जो जो मेरे क्लाइंट बन चुके हैं, यू ऑलवेज कॉल मी, मैं कहता हूँ भी 10 से 7 के बीच मैं अवेलेबल हूँ, तो मैं 200 लोगों से तो बात कर ही नहीं सकता ना। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे अलावा जो मेरा जितना स्टाफ है उनका सिर्फ काम होता है फॉर्म फिलिंग करना, लेकिन स्ट्रेटजी बनाना, एजुकेशन को समझना, करियर को समझना, वो तो खाली मुझे पता है ना, और मेरे जैसे शायद 10-20 लोगों को पूरे हिंदुस्तान में पता है। अब 3 लोगों का मुझे फ़ोन आया बीचों बीच, जो मुझे पूरी फीस दे चुके थे मेरी, कि सर हमारी काउंसलिंग रोक दीजिए, अलॉटमेंट मत कराइए, चॉइस फिलिंग मत कीजिए, हमारा प्लॉट हमारा शोरूम नहीं बिका, तो ध्यान दीजिए। और वही कारण था, तो मैं 2-3 आपको एग्जांपल दूं जिसको अक्सर देख के हम कहते हैं सीट मिली जाती है, कि वेंकटेश्वरा गजरौला यूपी, जो लास्ट ईयर 150 नंबर पे, सॉरी मैं नंबर बोलूँगा नहीं, 7,13,000 रैंक में मिल गया था। तो आप देख रहे हो मेरे तो 6.5 लाख रह गया, आराम से चलो वेंकटेश्वरा तो मिल ही जाएगा। सर सिर्फ पिछले साल यही वेंकटेश्वरा गजरौला 4,10,000 रैंक पे ख़त्म हो गया था, 4,10,000 रैंक पे। तो 4,10,000 से 7,13,000 रैंक पे इसलिए नहीं गिर गया था, बहुत सारी सीटें बढ़ गई थी, इकोनॉमी डाउन थी। सिमिलरली सरस्वती उन्नाव 3,73,000 पे ख़त्म हो गया था 2021 में, और 22 में वो 8,00,000 रैंक पे आ गया। तो यूपी के सारे कॉलेजों का ऐसा बुरा हाल हो गया था। अब कभी कभार ना फिर एक आता है, सर सुभारती लास्ट ईयर मेरे जानकार को 300 नंबर पे मिल गया। एक और चीज़ समझ लीजिए, कभी कभार ऐसा होता है हिंदुस्तान में कि कॉलेज से ना सीट अप्लाई कर रखी है बढ़ने के लिए, वो परमिशन मिलती है राउंड 2 के बाद, मतलब काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, राउंड 1 के बाद परमिशन आती है आपको। तो सेम शारदा की सीटें 21 में बढ़ी थी काउंसलिंग के बीच में। अब देखिए काउंसलिंग कैसे चल रही है, खासकर यूपी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सीटें देते हैं, पूरे नॉर्थ को मिला लो तो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड सब मिला के जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा यूपी में है। और यूपी में फर्स्ट राउंड में ही वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब तो जाता है, अगर सीट नहीं लेते तो यूपी में हमेशा कहता हूँ सीरियस एडमिशन होता है राउंड 1 में। या आप एक लाइन पकड़ लीजिए, यूपी इज़ द ओनली स्टेट जिसमें राउंड 2 में कट ऑफ राउंड 1 के ऊपर जाती है, बाकी हर जगह नीचे जाती है, क्योंकि हर जगह राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है। अब शारदा तो फट से पकड़ लिया, 500 नंबर नहीं बोलूँगा, 80,000-90,000 रैंक के लोगों ने शारदा पकड़ ही लेते हैं, ठीक है। तो जैसे स्टार्ट हुआ एडमिशन लोगों ने पकड़ लिया, 90,000 रैंक के लोगों ने, लेकिन बीच में 50 सीटें ऐड हो गई, और तब तक वो 90,000 रैंक वाले तो फ्री हो गए थे, मतलब वो कहीं जा चुके थे। तो 1,20,000 रैंक वाले को भी शारदा मिल गया या अपग्रेड हो गया, जिसने फिलहाल छोटा थोड़ा लोअर रैंक वाला कॉलेज लिया था। सिमिलरली लास्ट ईयर काउंसलिंग के बीच में सुभारती की सीटें बढ़ गई थी बीच में, तो ये बात भी समझिए। 2 साल पहले चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज पंजाब का राउंड 2 के बाद ऐड हुआ था काउंसलिंग में, सोचिए, जब 80% एडमिशन हिंदुस्तान में ख़त्म हो चुके होते हैं 2021 में, चिंतपूर्णी वो जो पंजाब में है मेडिकल कॉलेज। तो ये सब डायनामिक्स प्ले करते हैं। तो सिर्फ ना चुपचाप कट ऑफ देखकर वो काउंसलर्स जिनको ये भी नहीं पता कि 21 में क्या हुआ था, 22 में क्या हुआ था, क्योंकि उनमें इतनी अकल ही नहीं है, या 20 में क्या हुआ था, या 19 में क्या हुआ था, क्योंकि तो उनके पास मेमोरी जा सर उनके पास एक्सेल शीट्स होंगी, बट वो ये एनालिसिस नहीं कर सकते कि ये जो बीच में आती हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ जाता है। और वही मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ, सबको कह रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस, कि आप चांस ले सकते हो। कोई मुझसे कहता है जी नंबर हम रैंक हमारी 3 लाख ही है, बजट हमारा 70 ही है, क्या करें। मैं हमेशा खुल कहता हूँ सर मैं आपके लिए काउंसलिंग करूँगा, जब आपने बजट बता दिया तो ये 5 स्टेट है जो आपके बजट में आते हैं, ये उसमें से अच्छे कॉलेज हैं, ये एवरेज कॉलेज हैं, सब बता दिया, कोशिश करते हैं जी अच्छे की, नहीं मिला तो एवरेज। वो कहता नहीं एवरेज चाहिए थी, मैं कहा ठीक है जी फिर कोशिश करते हैं, अच्छे की नहीं मिली था तो जयराम जी की हमारी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, हमारी फ़ीस कोशिश की है, कमिटमेंट चाहिए आपको, तो मैं तो गारंटी दे रहा हूँ 9 लाख रैंक पे भी पक्का दिलाऊंगा ना, पौंडीचेरी और तमिलनाडु का डीम्ड जो बाकी काउंसलर बोलते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों को समझिए। समरी इस वीडियो की, 2022 की कट ऑफ रैंक्स नहीं देखनी है, जजमेंट करनी भी है तो 2021-20 की देखिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक आध कॉलेज अगर बीच में गिर गया तो आपको पता होना चाहिए कि काउंसलिंग के दौरान सीटें ऐड की जाती है, काउंसलिंग के दौरान कॉलेज ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से रैंक की कट ऑफ नीचे हो जाती हैं। ये दो चीज़ें, और हर कॉलेज अच्छा नहीं है, और डिस्काउंट लास्ट ईयर मिल गए थे लास्ट में, क्योंकि लास्ट ईयर अगेन वाज एक्सेप्शन, बट 2021 में 20 में किसी कॉलेज ने 1 रुपये का अपनी छपी फीस से डिस्काउंट नहीं दिया था। और हर स्टेट की डायनामिक्स अलग है,
आपको पता होना चाहिए कि 90% सीटें इंडिया में काउंसलिंग से मिलती हैं, जो थोड़ी बहुत सीटें बैकडोर और साइड डोर से मिलती हैं वो यूनिवर्सिटीज़ फिक्स हैं, वो लॉजिक फिक्स है, वो लॉजिक मैं वीडियो में नहीं बता सकता। जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं बताता हूँ फेस टू फेस मीटिंग में या व्हाट्सएप कॉल में, ताकि आप लोग रिकॉर्ड ना करें और वो कॉलेज ऐसे पब्लिकली बदनाम ना हो, और वो आपको बताए जाते हैं गिन के वो यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस इंडिया जो ये काम करते हैं, पॉसिबल है जहाँ करना। जैसे जहाँ नहीं है पॉसिबल, मैं बता दूँ उत्तराखंड में पॉसिबल ही नहीं है, कोई ना वो कोई NRI सीट है ना वो कुछ है, UP में पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पॉसिबल ही नहीं है। गुजरात उड़ीसा वैसे ही क्लोज स्टेट्स हैं, पंजाब वैसे ही क्लोज स्टेट है। तो ये सब चीज़ें समझते हुए आप अपना डिसीजन लीजिए। मुझसे सलाह लेना चाहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ फ़ोन काउंसलिंग के, ये जो फ़ोन कंसल्टेशन मुझे बोलना चाहिए, दिस इज़ ओनली फर्स्ट कंसल्टेशन। 2,500 रुपये फ़ोन कंसल्टेशन के, 5,000 रुपये फेस टू फेस कंसल्टेशन के फ्री ऑफ चार्ज, में किसी से बात नहीं करता। भगवान की दया से हमारा बिज़नेस अच्छा चलता है, समय ही मेरी प्रोडक्ट है। आपको समझना चाहिए जैसे आप में किसी की फैक्ट्री चलती है, किसी की नौकरियां हैं, किसी की खेती है, तो आपके तो फसलें उग रही है ना, जब अगर आप खेत में हों या ना हों, बट मैं तभी कमाता हूँ जब मैं बोलता हूँ या जब मैं लोगों से बात करता हूँ। तो आप प्लीज़ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि फ्री ऑफ चार्ज मैं आपसे बात करूँगा, और इस कॉल में इस मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि आपके पाथ क्या होगा आपके बच्चे की सीट पाने का, और उस पाथ के लिए आपको मुझे और कितने पैसे देने पड़ेंगे। वो पाथ 30,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए की फ़ीस तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कॉम्प्लिकेशंस इन योर केस, राइट। आपका दिन शुभ हो। नंबर रिपीट कर रहा हूँ मैं, 9643362320। नमस्कार, बाय बाय।